तो अब देखो क्या करना है, लेफ्ट आई पकड़ी अपन ने, तो ये अपन ने जो पीछे जा रहे थे वो तो पहले ही बना लिए। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो आयरिस वाला पोर्शन है ना, ये नीडेड इरेजर की मदद से इसे पूरे को साफ कर लो। इसमें अपन ने ग्रेफाइट आ गया था ढेर सारा, तो दोनों आईज में ये वाला पोर्शन जो है वो साफ कर लो। अब आईलैशेस जो है, ये देख सकते हो ये थोड़ा डार्क पार्ट है एकदम टिप पे, पहले मुझे देख लो, ठीक है, ये डार्क पार्ट है टिप पे, ठीक है, आगे है ये टिप, देख सकते हो थोड़ी है, ये आंखों के नीचे देखो ये डार्क है। डार्क मतलब ये नहीं होता कि 10 भी जितना डार्क है, बस है, दिख रहा है अपन, ये हल्का हल्का ऊपर जा रहा है, यहाँ से हल्के हल्के थोड़े थोड़े जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये नीचे की तरफ एक बात ध्यान रख रहे हैं, स्ट्रेट नहीं आ रही है, ऐसे ये चीक्स उठा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे जो रिंकल्स से आएंगे वैसे बाहर की तरफ गिरते हुए, जैसे आई लैशेज आते हैं ना नीचे वाले, तो हल्के हल्के मैकेनिकल पेंसिल से ही बनाओ, क्योंकि क्या है उस पर हल्का सा ब्रश चलाएंगे ना अपन तो वो गायब हो जाएगा, लेकिन वो लगेगा अच्छा, पूरा गायब नहीं होगा। अब जैसे रेफरेंस में देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे आई लैशेज हैं, तो मैकेनिकल से ही बनाने हैं वो आई लैशेज, क्या करना उन्हें थोड़ा डार्क करना, ठीक है, और एकदम एंड स्टार्टिंग तक नहीं ले जाना उसे, क्या करना है यहाँ से रखना है उसे, वैसे हल्के हल्के बाल बनाना, सेंटर में आते आते वैसे गायब हो गए, आगे एक आध दो गए, ठीक है, यही थोड़ी सी चीज ऐसे हल्के हल्के ऊपर की तरफ कर लेना, हल्की हल्की ऊपर की तरफ बस। अब इसमें क्या है, वाइट जेल पेन का कमा, दो डॉट रखनी है अपन को, देखना एक यहाँ पे छोटी सी और एक यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आता हुआ सही एरिया आएगा, राइट आई भी देख लो साथ साथ, इसे भी देखो क्या करना है अपन ने अंदर साफ कर ली थी, जो हल्के हल्के आप देखना रिंकल्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो रिंकल्स दिख रहे हैं वो मैं बना रहा हूँ, तो पहले मुझे देखो, अपन ने स्टार्टिंग में भी बना लिए थे हल्के हल्के, ठीक है, इस तरीके से ये रिंकल्स पीछे की तरफ जाते हुए, ओके, ये आगे से थोड़े डार्क रहेंगे और फिर बाद में क्या है उसमें अपन ब्रश चला ही लेंगे तो वो डार्क से लाइट हो ही जाएगा, उतना ज्यादा टेंशन नहीं लो, लेकिन हल्का हल्का जो है जहां जहां तुम्हें शेड दिख रहा है हल्का हल्का शेड करो, ठीक है, फिर ये जो शेड किया था इसमें हल्का सा ब्रश चला, मैं ये नहीं बोलता घिसो ब्रश, ओके, डिफरेंस है, और इसमें क्या करना अपन को, इसमें भी हल्के हल्के लोअर आईलैशेस दिख रहे हैं अपन, ओके, इसमें घने थे थोड़े, इसमें एक आध तो बना लो, ठीक है, ये वाला जो एरिया था ना थोड़ा आईलैशेस वाला, इसे किया, इसे थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है अपन को, ये थोड़ा डार्क है, ओके, ये यहाँ से हल्के हल्के आईलैशेस का पार्ट। अब क्या है तुम एक बात ध्यान रखना, जो ओल्ड लेडी या ओल्ड पर्सन के होते हैं उनकी आंखों के पास सबसे ज्यादा रिंकल्स टाइप एरिया होते हैं, इसमें भी व्हाइट जेल पेन का काम है, तो एक छोटी डॉट आएगी और रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक बड़ी डॉट आएगी, ठीक है, तो इस तरीके से आंखों वाला पोर्शन पूरा हो जाता है, इतना कर लो। एक चीज और है, ये जो आंखों की टिप है ना, ये टिप इसपे एक डॉट यहाँ रखो, ओके, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं जानी चाहिए, एक डॉट यहाँ रखो, एक डॉट यहाँ रखो, इतना करो, और इसके बाद जो इसकी थोड़े बाहर जो निकल रही है ना उसकी ऐसे आउटलाइन ही बना लो मैकेनिकल पेंसिल से, आंखों की टिप भी चमक रही है, इतना करो। तो अब देखो नोज वाला एरिया आ जाता है, तो मैकेनिकल पेंसिल लो, ठीक है, जो मैं डार्क कर रहा हूँ मैकेनिकल से, ये जैसे ये है आउटलाइन, तो मैंने इतना हिस्सा जो है ये कवरिंग, ये सी शेप, ये डार्क करा, ये हल्का हल्का यहाँ जो अंदर की तरफ कवरिंग आ रही है इसे शेड करा मैंने, देखो तुम्हें करने की जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो ये वाला पोर्शन डार्क हुआ, ठीक है, नीचे नीचे आए, नीचे नीचे वाला पोर्शन डार्क टू लाइट होता जाएगा, मतलब ऐसे बहुत डार्क आउटलाइन नहीं होगी, बस हल्की हल्की आउटलाइन होगी, क्योंकि अभी अपन ने इतना ब्लेंड कर लिया कि उसकी आउटलाइन भी इरेज हो गई, और ये हल्का सा जो कर्व ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे जाएगा शेड होता हुआ, ठीक है, इस तरीके से। अब नोज की जो आउटलाइन बनाई है अपन ने, अब HB पेंसिल लो, ठीक है, अब यहाँ यहाँ देखो ये जो पोर्शन दिख रहा अपन को, ये डार्क दिख रहा, ये डार्क दिख रहा, तो यहाँ पे छूटा हुआ है हल्का, तो मुझे फॉलो करो जरा, शेडिंग करते समय पेंसिल को पीछे पकड़ना इस तरीके से, जरा सर्कुलर शेडिंग मेथड से, या नोज के कवरिंग लेते हुए आओ एक, ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसे कवर करते हुए यहाँ लेके आओ, फिर यहाँ करो उसे, ठीक है, यहाँ हल्का हल्का छोड़ना है, बहुत ज्यादा नहीं, ये अपन डार्क कर ही चुके थे, ठीक है, अपन को हल्का बस यहाँ डार्क करना था, तो ये नोज के नीचे वाला जो पोर्शन है, लिप्स के ऊपर और नोज के नीचे वाला, मैं थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पे जो है, ठीक है।
फिर ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से ब्लेंड कर लो, ठीक है। वो लोअर लिप का हाईलाइट में अभी नहीं दे रहा क्योंकि मुझे अभी जो बाकी का हिस्सा वो ब्लेंड करना है, वो हाईलाइट फिर वापस तुरंत ढक जाएगा, ठीक है। और एक काम करूं, दे देते हैं अपन, तो हाईलाइट जो तुम देख सकते हो रेफरेंस में, मैं दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके का है। मुझे क्या करना, लोअर लिप में तुम्हें पता ही है किस तरीके से होती, इस तरीके से हल्की एक लाइन सी जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ी ऐसे कर्व और उबड़ खाबड़ सी लाइन है, थोड़े ऊपर ऊपर डॉट्स हैं इस तरीके से हल्की हल्की, ठीक है, थोड़े पीछे पीछे तक भी है। इस तरीके से लोअर लिप में थोड़ी शाइन आ रही है, ठीक है। लोअर लिप में थोड़ा आउटलाइन और हल्के से अच्छे से दे दो, ठीक है। अगर डार्क कर रखी हो आउटलाइन तो मत देना, ठीक है, मेरी आउटलाइन लाइट है, मैंने दे दी। अब क्या करना है जरा आप देखो, जरूरी पार्ट, 6 फीट नहीं 8B पेंसिल लो, जो डार्क पोर्शन दिखना ना ये पूरा, ये अब फिल करना स्टार्ट करो। इसे अब जरूरी है ध्यान से करना, पेंसिल एकदम शार्प रखना, ठीक है। मुझे देख लो पहले मैं कहाँ कहाँ कर रहा हूँ, दांतों के ऊपर नहीं आना चाहिए, सारे दांत दिखने चाहिए जो इनके रेफरेंस में दिख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूरे एकदम मुंह अंदर तक काला कर दिया, नहीं, बीच में जहाँ टंग दिख रही है वहां टंग दिखनी चाहिए। इस तरीके से आया, थोड़ा हल्का हल्का अपर लिप और थोड़ा हल्का हल्का लोअर लिप में भी आएगा, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन मैंने अलग से ड्रॉ करवा दिया था पूरा, यहाँ से ऐसे नीचे आता हुआ ये अलग ही दिख रहा है कि यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और जो थोड़ी फिनिशिंग है वो मैकेनिकल पेंसिल की मदद से दे दो, हल्की हल्की जो फिनिशिंग चाहिए ना आउटलाइन अपन को, वो मैकेनिकल पेंसिल की मदद से आ जाएगी अपनी, थोड़ी यहाँ पे और थोड़ी यहाँ पे, थोड़ी टंग पे जो थोड़े टेक्सचर दिख रहे हैं ना, ऐसे कर्व से दिख रहे हैं, थोड़ा रफ सा टेक्सचर दिख रहा है इस साइड, थोड़ा यहाँ ज्यादा शेड दिख रहा है अपन को, तो ये जो जितना भी दिख रहा है सब मैकेनिकल पेंसिल की मदद से कर दो। और अब अपनी मोनो जीरो इरेजर लो और दांतों को चमका दो एकदम, ठीक है, पीछे से लेके आगे तक के सारे दांतों को एकदम चमका दो आराम आराम से। नीचे के जो दांत हैं उन्हें भी चमका दो एकदम मस्त। अब थोड़ा क्या है आउटलाइन इरेज हो जाएगी, हल्की सी आउटलाइन, देखो डार्क आउटलाइन बना रखी है वो भी इरेज करना, तो पहले इतना कर लो। अब चलो नेक, और देखो तो 4B पेंसिल लो, देखो ये वाला हिस्सा तो साड़ी का हिस्सा है तो वो डार्क उसमें जाएगा, लेकिन जो हल्की हल्की आउटलाइन यहाँ से जो आ रही है, ठीक है, यहाँ तक से लेफ्ट वाले पोर्शन में, ये हल्का हल्का यहाँ पे गले में, यहाँ यहाँ ये वाला पोर्शन तो देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये हल्का हल्का जाएगा, आउटलाइन हल्की हल्की जाएगी, ठीक है। नीचे भी हल्की हल्की, यहाँ पे थोड़ी डार्क थी लेकिन बाकी जगह आउटलाइन जो है हल्की हल्की रहेगी, ओके। और ये साड़ी की आउटलाइन जा रही है जो वो 4B पेंसिल से क्या है, जैसे लिप्स में करे थे ना लेफ्ट टू राइट ला रहे, इसमें भी वही करना है अपन को, बस थोड़े प्रेशर के साथ करो ताकि डार्क दिखे। देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ी डार्क दिख रहा है अपन को, ओके, तो ये लेफ्ट टू राइट जो है ये थोड़ा डार्क दिखे अपन को। सर 4B से या फिर 8B? सर स्क्रीन दिखा दीजिए। थोड़ी ब्लेंड करने के बाद हल्की हल्की आउटलाइन जो रहती है ना हर समय, उसके साथ कर लिया करो मैकेनिकल पेंसिल के साथ। थोड़ी ब्लेंड करने के बाद हल्की हल्की आउटलाइन जो रहती है ना हर समय, उसके साथ कर लिया करो मैकेनिकल पेंसिल के साथ, आउटलाइन दोबारा रीडिफाइन कर लिया करो, वो सही रहता है, ठीक है। तो देखो 6B पेंसिल जो है ये जो डार्क पोर्शन दिख रहा ना, जैसे अपन ने बिंदी करी थी ना, शेड करा था, ऐसे भरा नहीं था, उसको पकड़ के शेड करा था अपन ने पेंसिल, ठीक है, इतना पोर्शन उसे शेड कर लो और इसे ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से ब्लेंड कर लो, ओके, तो आराम आराम से करो। और इसे हल्का हल्का आगे भी लाओ, जैसे ये देख सकते हो ये वाला पोर्शन भी डार्क है, तो जो हल्का हल्का डार्क पोर्शन जा रहा है ये, इसे भी करो, बीच में जो लाइट छूट रहा है
वो लाइट रहने दो, ओके इस तरीके से। अब ब्लेंडिंग स्टंप लो अपना, और ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं कि बीच में कुछ खाली सा दिखना चाहिए, ये जो हल्का हल्का दिख रहा है वो रहने दो, ऐसे एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए मुझे, ठीक है। जो हल्का हल्का बाहर फैल गया ना, ये इसे इरेज कर लेना, ओके एकदम स्ट्रेट लाइन कर्व दिखना चाहिए अपन को अच्छा खासा, ठीक है। तो ये डेप्थ भी मिल गई अपन को बढ़िया। जरा आप इधर देखो, ये साड़ी वाला जो पोर्शन है तुम देख सकते हो ये हिस्सा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट है, या तो अपन 2H पेंसिल जो सबसे लाइट आती उससे करें, ठीक है। यहाँ बचता है तो ये देखो कर्व अपन को कहाँ चाहिए, अपन पूरे में कर सकते हो, जहां नहीं चाहिए इरेज कर लो। क्या करो, यहाँ रखो ब्रश, एक डायरेक्शन बनाओ, ठीक है, ऐसे सर्कुलर चला लो अब उस डायरेक्शन पे। तो इतने पोर्शन पे अपन को चाहिए, यहाँ यहाँ अपन ने क्या किया देख सकते हो, धीरे धीरे आता जा रहा है, आता जा रहा है, थोड़ा यहाँ पे भी अब साइड साइड में, तो ये आया। तो यहाँ यहाँ करो, अब क्या है ग्रिड इरेज कर लेना तो अच्छा रहेगा। ये मैंने किया, अब डार्क हो गया ये वाला, अब मैं यहाँ यहाँ करूंगा तो ये जैसे इतना एरिया दिख रहा है, लेकिन मैं अब जो दोबारा ब्रश चला रहा हूँ थोड़ा पॉइंटेड करके उसके सेंटर पे चला रहा हूँ, ताकि वो थोड़ा फैलता हुआ दिखे बाहर, बीच में डार्क, ये जो कर्व आ रहा है अब मैं इस पे करूंगा, ठीक है, इतना आ गया। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, ये एकदम अपन को शार्प दिख रहा है, ओके। तो अब अपन को क्या करना, अब अपन अपनी ये इरेजर ले लो, क्या कहते हैं मैकेनिकल इरेजर ले लो, ये जो सर, मेरे को एक डाउट है। अब जरा एक चीज देखो, यहाँ पे जो अपन को हाइलाइट्स दिख रहे हैं ये वाले, एकदम शेप में दिख रहे हैं, ऐसे फैले हुए नहीं दिख रहे, जैसे इसकी आउटलाइन है, तो ये जो है इस तरीके से एक शार्प शेप दिख रहा है अपन को, ये नीचे की तरफ एक शार्प सा शेप आता हुआ, ये जो पीछे की यहाँ तक नहीं है, ये जो शोल्डर है इनके यहाँ तक नहीं है अपना ये हाईलाइट, मतलब यहाँ हाईलाइट यहाँ तक है, ऐसे शेड नहीं आ रहा, तो इसके जो बाहर तक ग्रेफाइट आ गया है ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो वो अपन अपनी मैकेनिकल इरेजर की मदद से उसे एक बार यहाँ रखो ऐसे इरेजर, और इस तरीके से इरेज कर लो, ठीक है। तो अपना आप देखो एकदम एक्यूरेट आ गया है, तो इस तरीके से सफेद साड़ी में जो ऐसे स्लीव्स आ रही ना, कि ये देखो ये उठा हुआ है, ये थोड़ा झुका हुआ है, इस तरीके से लुक आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।